आपके अपने YouTube चैनल लेट्स फाइंड जॉब्स में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि DLED के एग्जामिनेशन चालू है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम प्रथम वर्ष दोस्तों विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा एवं शिक्षा का दोस्तों फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपके सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपका पहले सही विकल्प आते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है ECCE कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल केंद्रित। ओके, एक नंबर का दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें निम्नलिखित में से सूक्ष्म पेशीय कौशल है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ब्लॉक बनाना दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब तीसरे नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विकल्प का स नंबर का तीसरे नंबर का परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरे नंबर का WH Kilpatrick। ओके, तो अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों द नंबर का विकल्प का थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरे नंबर का सीखने से। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ई नंबर में विकल्प के इसमें है मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रथम सोपापन है। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरे नंबर का शैक्षणिक उद्देश्य का निर्धारण। ओके, बढ़ते हैं अपन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है दिए गए शब्दों में से सही उत्तर चुनकर रेगिस्तान की पूर्ति करना है। तो पहले वाले आपका रेगिस्तान का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1974 पहले वाले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रेगिस्तान आपको बनना है तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा 1974। दूसरे वाले का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा रूटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे वाले का, ये रेगिस्तान आपको बनने हैं। दूसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा रूटिंग। तीसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आत्मकेंद्रिता दोस्तों इसमें तीसरे वाले का राइट आंसर हो जाएगा आपको खालिस्तान में। और चौथे खालिस्तान में आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें क्रियाशीलता। इसमें चौथे वाले का आपका रेगिस्तान का राइट आंसर होगा। फिर पाँचवें के रेगिस्तान का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों असहभागी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पृष्ठ क्रमांक तीसरा, निम्नांकित के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला है जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य लिखिए। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, ये ऊपर आपको ये नंबर पर दिया गया है। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर कि इस योजना का उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं के प्रसव की संस्थागत सुविधा प्रदान करना। अब दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF को किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 2005। फिर आपका तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इसमें गत्यात्मक विकास से क्या आशा है। तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। तो ये है इसका आंसर दोस्तों, संतुलित आहार का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका तीसरे का पांचवा क्वेश्चन है, व्यापक आंकलन क्या है। तो ये इसका आंसर है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक तीन कंप्लीट होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक चार। प्रश्न क्रमांक चार में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है समेकित बाल विकास सेवाओं के दो उद्देश्य लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों प्रश्न क्रमांक चौथे का, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक लिखना है पूरा। ये है दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का आंसर, तो आप दोस्तों से फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक पाँच। तो प्रश्न क्रमांक पाँच में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है आंगनवाड़ी में बालकों हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले कुछ खेल संबंधी उपकरणों के नाम लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों प्रश्न क्रमांक पाँचवें का, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक पाँचवें का आंसर है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक छः। इसमें आपसे पूछा जा रहा है बाल सभा का महत्व लिखिए। तो ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक छठवें का आंसर, बाल सभा का आपको महत्व बताना है। तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए।
आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न क्रमांक 7, उसमें पूछा जा रहा है क्रियाकलाप आधारित अधिगम के दो गुण लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, आपको कोई भी दो गुण लिखने हैं, इसमें मैंने चार दिए हैं, आप आराम से इसे लिख सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 है, पूछा जा रहा है संचित अभिलेख किसे कहते हैं। तो ये इसका दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर है। तो दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मातृ शिक्षक संघ क्या है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 9 में का आंसर है। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 10 में का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 11। तो ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 11 में का आंसर, तो आप इसे दोस्तों फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है समूह की प्रवृत्ति, चौथा है आपका दोस्तों गुण विकास, सभ्यता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, धारणा का विकास। तो आप दोस्तों वैसे फास्ट नोट करते चलिए। अब बात नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12 में आकलन का महत्व लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है दोस्तों आकलन का महत्व, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ECCE की पाठ्यचर्या के उद्देश्य लिखिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 13 में का आंसर है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 14। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 14 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपको बालक के शारीरिक विकास में पोषण का महत्व लिखना है। तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। फिर इसके आगे आपको इसे लिखना है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट नोट कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। जो दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में का आंसर ये दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया बालकों के लिए क्षेत्र भ्रमण के प्रमुख लाभ लिखना है। तो ये इसका आंसर दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। तो ये इसके आगे है, ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 में का आंसर चल रहा है आपका। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 17। तो यह प्रश्न क्रमांक 17 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 17 में का आंसर है। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। फिर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे दोस्तों फास्ट नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे अभिभावक शिक्षक संघ की सफलता हेतु अभिभावकों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का मुझे अभी क्लियर आंसर नहीं मिल पाया है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20। तो यह इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है बालकों में सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका स्वास्थ्य एवं उम्र। पर तीसरा पॉइंट है आपका अभी क्षमता
ये चौथा पॉइंट है सीखने की तत्परता। पांचवा वातावरण, आप फास्टिंग नोट करके चलिए दोस्तों या इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को फुल क्वालिटी करके देखें। छठवां पॉइंट है अभिवृत्ति अथवा प्रवृत्ति। सातवां है परिपक्वता। आठवां है सीखने की विधि। नौवां है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य एवं थकान। तो दोस्तों आपका दसवां पॉइंट है वंशानुगत क्रम, पाठ्य सहभागी क्रियाएं, और ये आपका बारहवां पॉइंट है अध्यापक एवं अभिभावक की भूमिका। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 20 भी कंप्लीट होता है। और दोस्तों आपका पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा वाला विषय का शुल्क सॉल्यूशन हो जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे आप किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं, और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।